सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम रियलमी 6i के नए अपडेट के बारे में बात करने वाले। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी 6i में एक नया अपडेट रोल आउट होना चालू हो गया। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि इस अपडेट में आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं और कंपनी ने क्या क्या बग्स फिक्स किए इस अपडेट में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर अभी हम जाते हैं सेटिंग में, यहाँ पर जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो आप देख सकते हैं वर्जन अप टू डेट। तो इस डिवाइस को मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। नीचे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 रियलमी है। और अपडेट वर्जन के बारे में बात करो तो B.45, जो पिछला था वो B.41 था। और अपडेट साइज के बारे में बात करो तो 229 MB का कुछ है अपडेट। तो अभी हम देखते हैं इस अपडेट में क्या नए फीचर्स मिले और क्या क्या बग्स फिक्स हुए। तो यहाँ पर मैं फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपडेट लॉक। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच August 5, 2020 में अपडेटेड कर दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगस्त का आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं रियलमी लैब एडेड सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाय फीचर। तो ये जो फीचर है वो एड कर दिया है। और आप देख सकते हैं एडेड स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये दोनों फीचर। तो यहाँ पर बैक और रियलमी लैब में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो सुपर नाइट स्टैंड बाय फीचर है उसको भी ऑन कर देता हूँ। बेसिकली जो सुपर नाइट स्टैंड बाय जो फीचर है वो मतलब रात के वक्त आपको कोई मैसेजेस नहीं आएंगे, कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उसको भी ये मतलब स्टॉप कर देगा। तो उससे आपकी जो थोड़ी बहुत बैटरी भी सेव हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। मतलब दोनों जो फीचर है वो काफ़ी पसंद आए मुझे। स्मूथ स्क्रोलिंग की बात करो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो स्मूथ स्क्रोलिंग है 90 Hz और जो स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर आपको दिया है तो थोड़ा बहुत आपको और भी स्मूथनेस मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप। तो मुझे दोनों भी जो फीचर्स है वो काफ़ी पसंद है। तो ये दोनों फीचर्स काफ़ी सही है, तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई कर देना। तो वापस अभी हम जाते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में, फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं और देखते क्या नया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी एडेड चार्जिंग डेसिमल पॉइंट फीचर। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चार्जिंग लगा देते हैं फ़ोन। तो डेसिमल पॉइंट जो फीचर है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर भाई दिख रहा क्यों नहीं, हाँ आप देख सकते। तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है भाई, ऐसा लगता है काफ़ी तेज़ हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। तो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल पॉइंट जो फीचर है वो भी ऐड कर दिया इस अपडेट के साथ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिस्टम एडेड इंडिपेंडेंट स्विच टॉगल ऑफ फोकस मोड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फोकस मोड का यहाँ पर इंडिपेंडेंट टॉगल ऐड कर दिया है नोटिफिकेशन पैनल में। और यहाँ पर मोड्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आप मोड स्विच कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड, फोकस मोड, ड्राइविंग मोड। तो आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडेड लॉन्ग प्रेस टू अनइंस्टॉल ऐप फीचर इन द ड्रॉवर मोड। तो पहले क्या होता था, आप जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाते थे मतलब यहाँ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब आपको सेटिंग में जाके अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये जो दो तीन यहाँ पर चेंजेस किए हैं मुझे काफ़ी पसंद है भाई, छोटे छोटे यहाँ पर काम किए। आप देख सकते हैं सेटिंग एडेड डिफॉल्ट साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्क्रॉल डाउन करते तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर देते तो यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट होगा, तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं अभी। तो मुझे लगता है एक्सटर्नल माइक अभी यूज़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो देखना पड़ेगा। और लास्ट आप देख सकते हैं स्टेटस बार एडेड OTG स्विच टॉगल टू नोटिफिकेशन पैनल। और आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज न्यूड बेल वाइब्रेशन आइकॉन स्टेट। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में वो आपको OTG का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके इसमें नहीं है तो आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं OTG, तो यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे भाई। मतलब यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना पड़ता था बार बार अगर आप OTG यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ से आप ऑन कर दो, डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो OTG, डायरेक्ट मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर जो रिंग का आइकॉन है वो भी ऑप्टिमाइज कर दिया, मतलब यहाँ पर आप फटाफट वाइब्रेट म्यूट कर सकते हैं। तो पहला थोड़ा डिले होता था, तो यहाँ पर वो भी सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ रियलमी 6i का अपडेट। ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये अपडेट मिल गया है। और इस अपडेट के बाद PUBG में स्मूथ एंड एक्सट्रीम का ऑप्शन आया कि नहीं, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं, नहीं आया, मतलब ऑप्शन है ही नहीं स्मूथ एंड एक्सट्रीम का। स्मूथ एंड अल्ट्रा का ही आपको देखने मिलता है, तो पता नहीं आएगा कि नहीं। और वैसे भी PUBG बैन होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता मतलब आपको इतना इंटरेस्ट होगा। अभी होगा भी पर बैन होने वाला है तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, और मतलब G90T जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। 90 Hz भी काफ़ी अच्छे से काम कर देता है। और चार्जिंग तो भाई ज़बरदस्त है, कुछ कहूँगा ही नहीं। रियलमी 6i का चार्जिंग टेस्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर, तो वो ज़रूर देख लेना। काफ़ी फास्ट यहाँ पर जो फ़ोन है वो चार्ज हो जाता है।
और फ्रेंड्स इसके बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको किस टाइप के इसके वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताना, तो मैं आपके लिए वैसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मतलब आपको कौन से टेस्ट चाहिए या क्या क्या चाहिए इस फ़ोन के बारे में, तो वो सब कुछ मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स यही था कुछ इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।